हेलो दोस्तों गुड इवनिंग एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है तो जैसा कि आपको पता है जेट और सुपरवाइज़र के लिए अपनी क्यूच नंबर नो चल रही थी तो उसको अपन लोग आगे बढ़ाते हैं उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे क्या है कि अपने जितने भी स्टूडेंट दोस्त वगैरह हैं आपके जो भी वो सबके सब आपके साथ अच्छे से जुड़ जाएँ प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप सबके सब लोग ताकि अपने साथ जुड़ जाए फिर अपन लोग अपनी क्विच को आगे स्टार्ट करते हैं तो प्लीज दोस्तों शेयर कीजिएगा क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए हेलो। पूनम कुमारी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग पूनम कुमारी जी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अपने साथ सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएं। और एक बार सबके सब, सब लोग कमेंट करके बता दो कौन कौन जुड़ गए अपने साथ पूजा सरवाल गुड इवनिंग गुड इवनिंग डियर सब लोग कमेंट करके बताओ भी कौन कौन जुड़ गए अपने साथ फिर अपन लोग अपनी क्यूज को आगे बढ़ाते हैं कीजिए कीजिए कमेंट कीजिए दोस्तों अपन लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर वो जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं व्हाट्सएप के ग्रुप है जितने भी दोस्त आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सुपरवाइजर की जेट की आई की बी की तो उन सबके लिए एक मिक्सअप क्यूज चल रही है जिसमें एग्रोनोमी हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तीनों के तीनों हम लोग पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ आप सबके सब, सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन जुड़ गया है और प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए सरिता चौधरी नमस्ते सर नमस्ते बिल्कुल सरिता जी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अपने साथ सबके सब, सब लोग जुड़ जाए फिर अपन लोग अपनी क्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं कीजिए सरिता जी एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा करो करो दोस्तों शेयर करो क्लास को ताकि अच्छे से अपने साथ बच्चे जुड़ जाएं। हेलो सर जी हेलो चलिए भी मुझे लग रहा है एक बार के लिए बच्चे धीरे धीरे जुड़ेंगे तब तक अपन लोग क्यों स्टार्ट करते हैं तो बताइए क्यों स्टार्ट करें अपनी कमेंट करके बताइए दोस्तों आपकी कमेंट का वेट हो रहा है क्यों स्टार्ट करें और क्लास को शेयर कर दिया होगा आप सब लोगों ने चलिए भी मैं अपनी क्यों स्टार्ट करता हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है जेट और करसी पर्यवेक्षक इवन डबले और सबके सब लोग आप लोग क्यूज देख सकते हो रितु कटारा चलिए भी अपनी क्यूज स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना देखिए आज का क्वेश्चन नंबर एक है अरहर जिसको पीजेन पी बोलते हैं या फिर केजनस केजान बोलते हैं तो इसका पोर्टनिकल नेम होता है कि किस्म आई सी पी एल एट्टी सेवन प्रगति कहाँ से जारी की गई है या फिर जारी की गई थी आपको ये बताना है अरहर की जो ये आई सी पी एल एट्टी सेवन प्रगति जो किस्म है वो कहाँ से जारी की गई थी ऑप्शन नंबर ए है अपना जी बी पी यू ए टी पंत और ऑप्शन नंबर बी है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ऑप्शन नंबर सी है अपना तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर और ऑप्शन नंबर डी है इक्रीसेट हैदराबाद तो बताइए दोस्तों सविता हरितवाल नमस्ते जी बिल्कुल आपका नमस्ते आप आंसर दीजिए अभी दोस्तों और क्लास को शेयर कर दो साथ में बिल्कुल दोस्तों आप सभी लोगों का एकदम राइट आंसर है इक्री सेट हैदराबाद अब इक्रिसट को आपको ही पता है क्या बोलते हैं उन्नीस के अंदर बना था हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल एरिड एरिया इसका होता है फुल फॉर्म होती है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको ये किस्म है ना आई सी पी एल इक्री हैदराबाद से जारी की गई है लेकिन अरहर की जो पहली किस्म थी ना वो कौन सी थी आप बता सकते हो आई सी पी एल एट नाम की ये इसकी एक पहली किस्म थी जो इक्रिसेड हैदराबाद द्वारा ही जारी की गई थी तो मे भी आप लोगों को ये ऑप्शन ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा बिल्कुल आप सब लोगों के एकदम राइट आंसर थे तो अपनी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग चलिए भी करनाल बंट नामक रोग किस फसल से संबंधित है आपको ये बताना है जो करनाल बंट जो डिजीज है ये कौन सी क्रोप से संबंधित है गुड इवनिंग डियर सर जय श्री कृष्णा वेरी गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा नमस्ते सर नमस्ते राहुल जी चलिए भी अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्लास को शेयर कर दो यार एक एक बंदा आपके साथ और जोड़ दो आप लोग ताकि मजे आए क्लास में तो देखिए कौन सी करनाल बंट है जो कौन सी क्रॉप से संबंधित है मक्का गेहूँ गन्ना या आलू बिल्कुल भी आप सब लोगों को पता है ये एकदम ईजी सा क्वेश्चन है किससे संबंधित है गेहूँ से देखिए करनाल बंट का केजुल ऑर्गेनिज्म या तो फिर पैथोजन क्या होता है जानू बी बिल्कुल भी आपका भी एक जानू एकदम राइट आंसर है कौन सी क्रॉप से संबंधित है गेहूं से और इसका पैथोजन क्या होता है मैं लिख रहा हूँ नेओसिया इंडिका ये एक फंगस होता है और आपको कहीं ना कहीं इटालिया इंडिका भी लिखा हुआ मिलेगा सबसे पहले करनाल में बिल्कुल मैं बता रहा हूँ देखिए दोस्तों इसका ये क्या है पैथोजन है क्या होता है ये फंगस होता है और ये कब देखा गया 1931 में मित्रा नाम के एक साइंटिस्ट थे और कहाँ देखा इन्होंने इसको करनाल में देखिए दोस्तों इसके बारे में एक खास बात बता देता हूँ इसका सिम्टम होता है बिल्कुल ओमकला जी उन्नीस सौ इकतीस सा इकतीस था बिल्कुल भी कपिल शर्मा गेहूँ जिसे सबसे पहले करना हरियाणा में देखा गया बिल्कुल देखिए इसके थोड़ा बता रहा हूँ आपको और ये जो रोग होता है ना इसका एक मेनली एक सिम्टम होता है मतलब जो प्लांट होते हैं ना जो बीज वगैरह होते हैं उनसे क्या आती है एक स्मेल आती है किसी मछली के सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है इससे ठीक है और एक सबसे बड़ी बात है जो आप लोग डब्ल्यू वाले हो ना गंध आप लोग एडजस्ट कर लेना यार तो उसके लिए आपसे पूछेगा कि गेहूं का कैंसर किसे कहते हैं इसी को कहते हैं आपको पता ही होगा ये तो और इसके बारे में एक खास बात है कि ये सोइल बोन एयरबोन एंड, एंड, एंड सीड बोन तीनों तरह की डिजीज है मतलब आपसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि सोइल बोन एयरबोन एंड सीड बोन डिजीज कौन सी होती है गेहूं के अंदर तो ये अपनी कौन सी आएगी करनाल बंट इतु काटा जी बिल्कुल आपका एकदम सही आंसर था ओमकला जी सरिता चौधरी रोटन फिश स्मेल हाँ बिल्कुल चलिए भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा अच्छे से तो आपको ये चीज़ याद रखनी है क्या इसमें सोयल बोन प्लस एयर बोन और प्लस कौन सी सीड बोन डिजीज बोला जाता है इसको चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हाँ क्लास को लाइक कर दो भी और आर पी अपने डब्ल्यू के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है थ्री हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ में तीन सौ निन्यानवे रुपये में मात्र तो प्लीज़ आप लोग इसको खरीद लीजिए और क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए लाइक कीजिए चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाता है आपको पता है दीमक किस में लगती है ये भी पता होगा आराम से भी बता दोगे आप लोग तो दीमक कौन से भाग में लगता है देखिए तना पत्तियाँ जड़ या फूल सड़ी मछली जैसी गंध बिल्कुल मंजू शर्मा आपका एकदम राइट आंसर है अब अपने क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाइए दीमक कौन से भाग में लगती है बताइए भी सर डब्ल्यू के लिए क्लास हुई ही नहीं देखिए भी बताइए हां सब लोग सही बता रहे हो आप लोग रूट एरिया में लगती है और आपको यह भी बता होगा इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ओडेंटो टर्मस और इसकी फैमिली टर्मीटी टर्मी होती है ऑर्डर होता है इसका आइसोप्टेरा अब आप लोग ये भी बता दीजिए भी अपन लोग अगर दिमक का नियंत्रण करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मंजू शर्मा जी बिल्कुल तो भी अपने पास एक, एक कल्चरल एक्टिविटी मान लीजिए या फिर एक तो बेसिक सा इसके लिए इलाज क्या होता है कि सिंचाई कर दो सिंचाई कर सकते हो और क्लोरोपाइरिपोस होती है आपको पता है क्लोरोपाइरिपोस होती है उसका यूज कर लो रसायन के रूप में तो ये आपको दिमाग के बारे में मे भी पता लग गया होगा और ये आंशिक रूप से ना जड़ों को नुकसान पहुंचाती है आपको पता है अभी गेहूं पटा तो गेहूं के अंदर भी अच्छे से लगती है तो दोस्तों आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा इसका साइंटिफिक नेम वगैरह फैमिली और ऑर्डर वगैरह तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग अभी सेम्पी कस्मा भी बिल्कुल भी आपका एकदम राइट आंसर है चलिए अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अभी वे खरपतवार जो अपनी बाह्य आकार की में फसल के पौधे से इतना अधिक मिलते जुलते हैं कि इन्हें अलग पहचान पाना भी कठिन होता है क्या कहलाते हैं भाई आपको ऐसे खरपतवार बताने हैं जो अच्छा बढ़ाते हो सर थैंक यू डियर देखो भाई ऐसे खरपतवार बताने हैं जो क्रॉप होते हैं ना उसके सेम एक जैसे दिखते हैं और उनको अपन लोग अलग नहीं जज कर पाते भी ये क्रॉप है या फिर खरपतवार है उनको क्या बोलते हैं निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट वीड सापेक्ष रिलेटिव वीड नकलची यानी मिमिक्री वीड एवंछित यानी कि अनोक्सी वीड एवंछित का मुझे थोड़ा सा भी नहीं याद आ पा रहा है तो बताइए भी आप लोग बिल्कुल भी आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर है नगलची खरपतवार ऐसे खरपतवारों को क्या बोलते हैं अपन लोग नकलची खरपतवार और निरपेक्ष खरपतवार कौन से होते हैं या फिर एब्सोल्यूट वीड कौन से होते हैं ऐसे वीड जो हमेशा हानि पहुंचाते हैं तो आप लोग ये मान सकते हो एनुअल बाई एनुअल एंड जो अपने सीजनल वीड होते हैं ना एक वर्षीय द्विवर्षीय और बहुवर्षीय वो सबके सब किस में आते हैं निरपेक्ष खरपतवार में आते हैं और सापेक्ष खरपतवार में कौन से आएंगे आप लोगों को बस इतना ही या याद रखना है भी अपने क्रॉप बो रखी है तो दूसरी क्रॉप कोई उग गई तो दूसरी क्रॉप प्लस अदर क्रॉप आपको बस ओड में इतना याद रखना है नगलची बताई चु, चुका हूँ मां आपको एवांछित आ जाए ना तो अवांछित के लिए क्या होता है कोई भी अपने एक किस्म लगाई है तो उसके अंदर किसी दूसरी किस्म का पौधा लग गया जैसे कि गेहूं की आपने एच डी दो लगाई है जिसको अर्जुन भी बोलते हैं उसके अंदर कोई भी जैसे कि तीस इकतीस नाम की किस्म होती है वो उग जाए तो यानी किस्मों के मध्य इसमें डिफरेंस कैसे करोगे आप किस्मों को लेकर

बिना बोए उग जाए तो कहलाते हैं अवांछित खरपतवार बहुवर्षीय खरपतवार द्विबीजपत्री खरपतवार परजीवी खरपतवार तो बताइए भी बिल्कुल मंजू शर्मा जी गेहूं से गेहूं अलग करना बहुत मुश्किल हाँ रोग्यूवीड बिल्कुल विप्रियंका बाना जी धान में जंगली धान देखिए भी आप लोगों ने सही पहले मैं बता चुका हूं इसका राइट आंसर तो अवांछित खरपतवार होते हैं पी इनको क्या होता है किस्में वगैरह से अलग नहीं कर पाते अपन लोग दूसरी किस्म उग जाती है तो इनको अलग करने के लिए फिर बाहर निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं रोगिंग करते हैं यानी उसको हाथ से उखाड़ लेते हैं तो आपको ये याद रखना जो अवांछित खरपतवार होते हैं ना उन्हीं के लिए स्पेशली वीड के लिए कि कौन सी क्रिया की जाती है रोगिंग अब देखिए दोस्तों बहुवर्षीय खरपतवार बहुवर्षीय खरपतवार तो आपको पता ही होगा जैसे कि मोथा हो गया साइप्रस रोटेंडस मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए डस हिरण खोरी ले लो जैसे कि बहुत सारे इसके इतने और भी होते हैं जैसे कि दूब घास भी होता है अपना बिल्कुल भी सभी पढ़ाई में ध्यान दो बिल्कुल पूनम कुमारी जानू आरडीएक्स जाट सरिता चौधरी मुक्ता ओमकला प्रियंका बानाजी बिल्कुल आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर है दिवी जिनमें क्या होता है कोटाइलोड होता है वो दो भागों में बटाओ इसके आपको पता ही है बथुआ खर बथुआ इसके एग्जाम्पल है और परजीवी खरपतवार जो दूसरे पे परजीवी के रूप में रहते हैं हाथ से उखाड़ना रोगिंग बिल्कुल भी आपका एकदम राइट आंसर है हाथ से उखाड़ना क्या होता है रोगिंग होता है तो चलिए अभी अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मे आपको ये तो समझ आ गया होगा तो इसका राइट आंसर कौन सा था ए या फिर ए चलिए दोस्तों यह सिंचाई विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त है उपयुक्त नहीं है बताइए भी राम राम रविंद्र राम राम भाई मुझे कोर्स करना है आपको किसका कोर्स करना है बताइए भी सोनू कुमार देखिए भी यह सिंचाई विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है आपको ऐसी सिंचाई मेथड बतानी है जो अधिक जल मांग वाली क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है अपना देखिए ऑप्शन नंबर ए बॉर्डर पट्टी बी चेक बेसिन सी है विधि और डी है बोछार या फिर स्प्रिंकलर तो बताइए बिल्कुल भी आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है कौन सा स्प्रिंकलर ये क्या होता है अपना जो एरिड जोन होता है ना या फिर बिल्कुल भी ओमकला जी आर डी एस प्रियंका बना आप लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी का तो आप लोग ये मत सोचना सर ने नाम नहीं लिया स्प्रिंकलर मेथड होती है ये आपको भी पता है अपन लोग एरिड जोन में अपन लोग एरिड एरिया में क्या इसका यूज करते हैं और उबड़ खाबड़ भूमि होती है ना उसके अंदर इसका यूज करते हैं राम रा, राम बिल्कुल राम राम आकाश शर्मा जी तो आपको ये तो क्वेश्चन अच्छे से आता ही होगा तो इसके आपने को ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत है नहीं चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कपास की जल मांग है एमएम में सेंटीमीटर में नहीं पूछा है तो देखिए भी 900 से 2500, 25, 1500 से 2500, 700 से 1300 या साढ़े चार से सात सौ बताइए भी हाँ अंडू लेटिंग लैंड बिल्कुल सरिता जी आपका एकदम राइट right आंसर है बताइए भी कपास की जल मांग है सात से तेरह बिल्कुल ओमकला जी आपका एकदम राइट right आंसर है ये तो है कपास की जल मांग और अपना राइट right आंसर इसके साथ क्या होता है स देखिए भी नौ से पच्चीस किस में होती है धान में और पंद्रह से पच्चीस गन्ने में और साढ़े चार सौ से सात सौ किस में होती है सोयाबीन में ये एक एवरेज है ये थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे पढ़ने को मिल जाता है साढ़े चार सौ से साढ़े छः सौ होती है अपने गेहूँ जो इनके अंदर तो आपको ये तो सबको पता ही सर आप मिक्स ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाओ प्लीज़ सर हाँ बिल्कुल ये मंजू जी सारे, सारे, सारे के सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन है इसमें आगे एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी हॉर्टिकल्चर भी आएगी तो आप लोग प्लीज हमारे साथ एक बार बने रहिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है ऑप्शन नंबर अपना ए है जोधपुर बी है कोटा सी है फरीदाबाद और डी है नई दिल्ली बिल्कुल सर ये जेट वालों के लिए है क्या बिल्कुल ऊपर ऊपर के क्वेश्चन हाँ भाई आप जेट आई शर और सुपरवाइजर के लिए है सुबह आपकी डब्ल्यू की क्विज लग जाएगी बताइए भी इसका राइट आंसर आर डी एक्स मूँगफली मूँगफली में शायद 500 से 700 ही होती है समीर मीना बिल्कुल भी आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है फरीदाबाद तो भाई आप लोगों का बिल्कुल एकदम सब लोगों का राइट आंसर आ रहा है तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों द्वारा अधिकांश नाइट्रोजन अधिकांश नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है तो बताइए भी किस फॉर्म में लेते हैं अमोनियाल क्लोराइड नाइट्रेट या ऑक्साइड देखिए दो ऑप्शन तो सीधे ही कट हो गए क्लोराइड और ऑक्साइड तो बताइए भी किस फॉर्म के अंदर लेते हैं प्रियंका बाना जी सी राहुल चौधरी मंजू शर्मा बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल नाइट्रेट फॉर्म में हाँ बिल्कुल आप सब लोगों का आकाश शर्मा सही है एकदम आंसर आ रहा है देखिए नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं और अमोनिकल फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ किस में लेते हैं धान में और इसको अनोक्सीकृत क्षेत्र में देते हैं और आपको यही पता होगा कि जो नाइट्रेट फॉर्म होती है ना नाइट्रोजन की जो अपनी सोइल होती है ना इसके अंदर मोबाइल होती है मतलब ये बहुत ज़्यादा गतिशील होती है सोइल की बात कर रहा हूँ मैं और ये नाइट्रोजन अपना जो न्यूट्रेंट होता है ये आपको यही पता होगा प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा गतिशील यही होता है तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है देखिए भी ये तो आप सब लोगों को आता ही होगा पूनम कुमारी ओके सर थैंक यू अमोनिकल में देखिए भी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व तो है एम जी पोटेशियम जिंक या सोडियम बता दीजिए आप सब लोगों को दिख ही रहे सोनू सर मुझे कोर्स करना है बिल्कुल आप कोर्स ले सकते हो इसके लिए आपको अभी थोड़ी देर में कमेंट मिल जाएगा देखिए भी बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के सबके राइट आंसर आ रहे हैं के आपको पता है एनपी के होते हैं अपने कौन से प्राइमरी न्यूटेंट होते हैं जो माइक्रो न्यूटेंट का फर्स्ट पार्ट होता है और सी एम जी एस

Right देखिए राजस्थान में फास्ट फोर्स कहां बनाया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको मस्त ध्यान रखना है कहां पे अलवर में झामरा कोटड़ा उदयपुर में जयपुर में या हनुमानगढ़ में तो बताइए दोस्तों कहां प्रोड्यूस किया जाता है इसको बिल्कुल आप इलेवंथ में हो चाहे किसी भी क्लास में ट्वेल्थ में हो आप जेट का कोर्स ले सकते हैं अच्छे से तैयारी कीजिए आप बिल्कुल भी दोस्तों आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है कौन सा जामर कोटड़ा उदयपुर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना ऐसे अच्छी तैयारी करते हैं तो ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिल्कुल ओमकला जी आपका भी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्पेद छारिय वाइट एलकाली मर्दा कहा जाता है अम्लीय मर्दा को लवणिय मर्दा को लवनीय छारिया मर्दा को या छारिया मर्दा को बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर वन पी सर 1 पीपीएम सर पूनम कुमारी किसके लिए बता रहे हो आप वन पीपीएम बताइए भी वाइट एल काली सोइल बोलते हैं बिल्कुल आरडीएक्स चार्ट लूजर पूनम कुमारी संजना यादव ओम कला आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है कौन सा लवणीय मर्दा लवणीय मर्दा को क्या बोलते हैं वाइट एल्काली काली आपने देखा होगा लवणीय मरदा ही होती है उनकी क्या खास बात होती है पता है लवणीय और छाया में डिफरेंस, डिफरेंस नहीं कर पाओगे क्या, क्या होते हैं देखिए सल्फाइड या क्लोराइड आयंस होते हैं ये आयंस है ना क्या करते हैं पता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा सल्फेट क्लोराइड जो आयंस होते हैं ना सोइल के अंदर मोबाइल के अंदर मतलब मोबाइल वे में पाए जाते हैं ये तो इनके साथ जुड़ गए तो ये क्या होता है अपनी जो सरफेस uh, होती है ना उसके ऊपर व्हाइट पाउडर के रूप में जमे हुए दिखते हैं इसलिए इनको क्या बोलते है? सफेद है, बोलते हैं हैं सफ़ेद और इसके विपरीत कौन सी होती है छारिया मर्दा होती है ना इसको ब्लैक एलकाली भी बोलते हैं इसके अंदर क्या होता है ये सेम न्यूट्रंट काम नहीं करते इसके अंदर बस आइंस का चेंजेज हो जाता है सोडियम प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ठीक है दोस्तों तो इस वजह से वो अपने को ब्लैक दिखाई देती है सेकेंडरी न्यूट्रेंट अमाउंट देखिए भी अपना आपको समझ आ गया इसका राइट आंसर क्या होता है बी चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा से मरदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया पंजाब गुजरात दिल्ली या सूरतगढ़ देखिए क्या होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूटेंट होते हैं ना वो आते हैं माइक्रो सॉरी मैक्रो न्यूटेंट के अंदर और मैक्रो न्यूटेंट होता है ना वो अपने जो प्लांट और सोइल होती है ना उसके अंदर क्या होता है हजार पीपीएम से ऊपर होते हैं तो ये दोनों है ना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेक्रो की पार्ट है तो हज़ार पी से ऊपर ही होती है इनकी मात्रा प्राइमरी और सेकेंडरी बाकी देखिए मैं आपको कंफर्म करके बता दूं जैसे मैं कंफर्म हूं अभी मे बी क्या पता मैंने जहाँ से पढ़ा हो वो थोड़ा गलत हो ऊपर नीचे उसने कुछ दे दिया दे दिया हो बिल्कुल भी प्रियंका बाना ओमकला सरिता जानू आर बिल्कुल आप सब लोगों का एकदम मंजू हो जी एकदम राइट आंसर है कहाँ से सुरतगढ़ से और कब जारी हुआ था सोईल हेल्थ कार्ड बोल दीजिए आप सीधा सीधा इसको दो के अंदर चलिए भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान के पदेन अध्यक्ष होते हैं आपको बताना है आई सी आर समझ गए होंगे उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं उन्नीस फरवरी दो हज़ार पंद्रह बिल्कुल भी आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर है प्रधानमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्री मंत्री राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल मंडलीय कृषि सचिव तो देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों तब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक बार सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर बिल्कुल भी केंद्रीय कृषि मंत्री होता है ना वो क्या होता है इसका पदेना अध्यक्ष होता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा अपने बारह एलिमेंट्स मंत्री हाँ बिल्कुल भी पूजा धुंधरा ओमकला समीर मीना प्रियंका बाना मंजू बोचालिया ओमकला कुलदीप गोदारा पूनम कुमारी नहीं सर एक पीपीएम ही होता है तो चलिए एक पीपीएम बहुत लो क्वांटिटी है तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए मैम बाकी आपको कल बता दिया जाएगा इसके बारे में चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसका राइट आंसर क्या है बी कृषि शब्द किस भाषा का है बिल्कुल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है लैटिन ग्रीक अरेबिक या संस्कृत बताइए भी कृषि कौन सी भाषा का शब्द है बताइए बताइए दोस्तों आंसर दीजिए इसका लेटिन का हाँ मैंने आज ही पढ़ा था अच्छा संस्कृत देखिए भी अच्छे से सोच के इसको आंसर दीजिएगा इसका हाँ भी किसी भी प्रकार से पर्सन पूछने हैं तो आप ये इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो

लैंग्वेज से लिया गया लेकिन जो हिंदी के अंदर अपन लोग कृषि पढ़ते हैं ना वो संस्कृत का होता है प्राइमरी एक पीपीएम से कम भी देखिए, मैं कंफर्म करके बता दूं बाकी आपको सर ने मैसेज करने के लिए नंबर पिन कर दिए हैं, तो आप इस पर पूछ, पूछ सकते हो मंजू शर्मा ऑल ऑफ दीज बिल्कुल भी मंजू शर्मा आपका एकदम राइट आंसर है ये तीनों की तीनों जो वैरायटी है ना ये खेती के लिए उपयुक्त है कौन सी आर एस जी टू दाहोदी चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग माइक्रो वाटर में क्षेत्रफल होता है देखिए वोटर सेड के बारे में बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा जो आपको पता है जो अपना एरिड एरिया है राजस्थान का तो इसमें अपन लोग क्या पानी वानी इकट्ठा करने के लिए वोटर सेड बनाते हैं और इनको हेक्टेयर के हिसाब से बांट दिया गया है पांच भागों में बांटा गया है तो सन उन्नीस की बात है जो तो अपना वर्ल्ड बैंक है ना उसने अपने को क्या पैसे दिए और अपने जो चार राज्य है ना भारत के अंदर उनके अंदर वोटर सेट मैनेजमेंट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया और जो अपना कर्नाटका है ना पे कर्नाटका में वोटर सेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया आप इसको लैंड भी बोल सकते हो लैंड डेवलपमेंट बोर्ड कहां पे कर्नाटका के अंदर स्थापित किया गया तो देखिए अभी आपको पूछा है माइक्रो वोटर सेट में क्षेत्रफल होता है तो मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ पाँच तरह के होते हैं ये एक बार इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं आपको मे बी ये तो दिख ही गया होगा कर्नाटका के अंदर दे ड्राई लैंड डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित है देखिए भी पांच तरह के होते हैं कौन कौन से होते हैं एक नंबर पे आता है अपना मिनी वोटर सेट आप सीधा लिख रहा हूँ मैं आप यहाँ से समझ जाना दूसरा कौन सा होता है माइक्रो तीसरा कौन सा होता है मिली और चौथा होता है सब और फिर आ जाता सीदा सीदा। है कौन सा वोटर सेड सीधा का सीधा अब यहां अपना मिनी का पूछ रहा हूं अभी आप लोगों से जो अपना मिनी होता है ना उसके अंदर क्या होता है एक से सो हेक्टेयर एरिया होता है और जो अपना माइक्रो होता है ना उसके अंदर कितना सो से हजार हेक्टेयर और यहां पे हजार से पचास हजार हेक्टेयर सॉरी हजार से दस हजार हेक्टेयर और दस हजार से पचास हजार और पचास हजार से दो लाख तो इस हिसाब से बता सकते हो आप लोग कि जो अपना माइक्रो वाटर साइड होता है ना उसमें हज़ार से सॉरी सौ से हज़ार हेक्टेयर एरिया होता है तो अपना राइट आंसर कौन सा जाता है बी और ये आपके सामने लिखे हुए हैं अपने वाटर साइड को पांच टाइप में अपने बांट दिए मैक्रो सब मैक्रो मिनी माइक्रो मिली बिल्कुल भी आपका एकदम राइट आंसर है सरिता जी तो चलिए अपन अपने, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिल्कुल पूनम कुमारी समीर मीना संजना यादव पूजा धुंदरा आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर था तो आपको आई होप ये भी समझ आ गया होगा और अठारह के अंदर वर्ल्ड बैंक ने अपने चार राज्यों के अंदर क्या वोटर सर मैनेजमेंट कार्यक्रम चलाया था तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जीरे का झुलसा रोग का रोग कारक है बताइए भी अपना ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेरिया एरिया टेनिस alternaria alternata alternaria burnsii gentomonas campestris तो ये तो ऑप्शन काट ही दो अलग ही दिख रहा है आपको ब्लाइट के लिए आपको पता है अल्टरनिया ही होता है तो इसमें से राइट आंसर दे दीजिए भी दोस्तों दीजिए दीजिए दोस्तों राइट आंसर दीजिए इसका ऑप्शन नंबर संजना यादव बी सरिता चौधरी कुलदीप गोदारा ओम कला समीर मीना देखिए भी जो लोग है ना इसका सी आंसर दे रहे हैं ना अल्टरनेटिया बर्नसाई इसका स या फिर सी एकदम राइट आंसर है आप लोग जो अल्टरनेरिया बोल रहे हो ना उन लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी ये क्या होता है जो अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है ना उसका होता है ये सिम्टम ये जीरे के अंदर ही होता है बिल्कुल जी आपका एकदम राइट है 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 ये ये कौन सा होता है? ब्लाइट है। ये सेम इसी के अंदर होती है, जीरे के अंदर तो इससे होता है अब देखिए जेंथो मनास कंपेस्ट्रिस अब आप इसका भी बता सकते हो कंपेस्ट्रिस आ गया तो यानी कोल क्रोप के अंदर चले जाओ अपने तो अपनी पत्ता को भी होती है ना उसके अंदर क्या होता है ब्लैक रोट होता है तो उसका पैथोजन होता है क्या जेंथो कंपेस्ट्रिस बर्न मीन जला हुआ समीर मीना अल्टरिया बर्न सा बिल्कुल भी आपका एकदम सही आंसर है तो आई होप आपको यह भी समझ आ गया इसका राइट आंसर कौन सा है सी जो अल्टरनेटा दे रहे थे ना उनका भी कहीं ना कहीं सही था ये पर उन्होंने सही से नहीं पढ़ा वो अल्टरनेरिया ब्लाइट का ही है और यहाँ पे सीधा पूछा गया झुलसा ब्लाइट रोग का सरवन कुमा बिल्कुल भी आप सब लोगों का राइट आंसर चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग किस बीजीय मसाला में क्यूमिनोल पाया जाता है ये तो मैं आपको तीन दिन चार पाँच दिन से यही बता रहा हूं तो आप लोग इसका तो एकदम राइट आंसर दे ही दोगे जीरा धनिया मेथी या सौंफ बताइए भी पूनम कुमारी ने सी आंसर दे दिया अभी आप लोग भी दीजिए अपने राइट आंसर बिल्कुल भी आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है कौन सा क्यूमिनल और मेथी का आपको बता चुका हूं मैं ट्राइगोनिल और धनिया और सौंफ का आप लोग बता दीजिए कमेंट कीजिए भी मैंने आपको कितने दिनों से बता रहा हूं धनिया और सौंफ के अंदर खुशबू किस वजह से आती है चार्ट बिल्कुल भी आपका मंजू सरवन कुमावत संजना यादव बिल्कुल आप लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है आप लोग धनिये और अपना क्या बच गया सौंफ इनका भी बता दीजिए फ्रेंकोन फैनल में देखिए वो क्या होता है गंध आती है उसकी वजह से सर यार पानी है ये पानी पिला दो यार पहले मैं थोड़ा सा हो रखा है आपकी एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन क्या है मेरी एमएससी अभी देखिए भी जो धनिया होता है ना और सौंफ होता है तो सौंफ के अंदर आप लोग क्या हो धनिया में कोरेंड्रोल सही है बिल्कुल और फेनल में फ्रेंकोन फ्रेंकोन की वजह से क्या आती है स्मेल आती है हाँ एनीथोल बिल्कुल सौंफ में एनी और धनिया में लिनो लिल चलिए तो भी अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बिल्कुल ओमकला जी आपका एकदम राइट आंसर था जई किस ऋतु की चारा फसल है आपको पता है अपन लोग सुपरवाइजर में चारे की तीन फसलें लग रही है अपने एनीथोल भी हाँ बिल्कुल एनीथोल है बिल्कुल जई किस ऋतु की फसल है एक रिजका लगती है एक बरसीम लगती है और एक जई लगती है तो आपको पूछा गया कौन सी ऋतु की है बसंत ऋतु की वर्षा ऋतु की या शरद ऋतु की या सभी ऋतुओं की है बताइए भी इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल भी रबी रबी कौन सी सेशन को बोलते हैं प्रियंका बाना जी? देखिए भी ये या फिर रबी बोल सकते हो आप आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है और इसको क्या जई का बोट निकलने बता सकते हो आप लोग अभिषेक सी रबी ऋतु काटरा पूजा धुंद्रा आरडीएक्स बिल्कुल भी आप लोगों बी आंसर कौन दे रहे हो भाई वर्षा ऋतु आरडिक देखिए वर्षा ऋतु की नहीं है ये ये शरद ऋतु की है अविना सेटा हुआ बिल्कुल भी आप लोगों का एकदम राइट आंसर है चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग खजूर का पुष्पकर्म है फ्लोअर टाइप स्पेडिक्स कैपिटुलम कैटकिन या अस्टील ये तो काट दो ये क्या है फ्रूट टाइप है ये और आपको पता है आम के अंदर होता है ये खजूर के अंदर भी होता है और बहुत सारे ऐसे फ्रूट अपने उनके अंदर होता है तो ये ऑप्शन तो कट गया खजूर का पुष्पकर्म बताइए भी कौन सा होता है बिल्कुल भी सरिता चौधरी प्रियंका बना आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है कौन सा ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, है। स्पेडिक किस किस में होता है मेनली केले प्लस खजूर ये अपने मुख्य से पूछे जाते हैं कैपिटुलम कैपिटुलम भी क्या होता है फ्लोर टाइप होता है किसके अंदर होता है ये सूरजमुखी के अंदर और जो कैटकिन होता है ये फ्लो टाइप किस में होता है सरसों के अंदर या आप लोग ब्रेसिका स्पीशीज बोल सकते हो केला खजूर स्पेडिक्स बिल्कुल भी समीर जी आपका एकदम राइट आंसर है चलिए अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सनफ्लोवर हाँ बिल्कुल सूरजमुखी सनफ्लोवर यदि आम की दशहरी किस्म को सघन हाई डेंसिटी प्लांटिंग है रोपित किया जाए तो अंतराल रखा जाता है ढाई इंटू मीटर फाइव इंटू मीटर टू इंटू वन मीटर एंड थ्री इंटू थ्री मीटर तो बताइए भी इसका राइट आंसर क्या बिल्कुल भी सन के थे हाँ इनके में होता है. बिल्कुल अभिषेक जी आपका एकदम राइट आंसर है बताइए भी प्रियंका जी. फाइव इंटू फाइव देखिए भी प्रियंका बाना जी की तरह आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे क्या पूछा गया दशहरी नोट आमरपाली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला गया है एक्सक्यूज में तो अभी अब अपने हिसाब से बताइए भी इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए ढाई इंटू ढाई मीटर पर मत जाइए बिल्कुल अभिषेक आपका एकदम राइट आंसर है फाइव इंटू फाइव मीटर डेंसिटी प्लांटिंग के लिए दशहरी की अपन लोग क्या प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं ये ये दशहरी के लिए है जो कि अपना राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर बे अपना सही होता है ढाई इंटू ढाई मीटर किसके लिए होता है आमरपाली के लिए और आमरपाली आपको पता होगा किसका क्रॉस है बिल्कुल भी ये क्वेश्चन सारे के सारे ट्वेल्थ बुक्स है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो आप लोग देखिए कैसे गलती कर बैठे हो थोड़ा सा ध्यान दिया करो इसमें से चलिए भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग आम का या का रोगजनक है ओडियम स्पीसीज कोलोटोट्राइकम स्पीसीज फाइटोपथोरा स्पीसीज या माइक्रोस्फ्रेला स्पीसीज बताइए भी इसका डी एन ए दशहरी इंटू नीलम बिल्कुल भी आपका सही है अमरबाली में ढाई इंटू ढाई दशहरी में फाइव इंटू फाइव बिल्कुल ओमकला जी दीजिए इसका राइट आंसर दीजिए सुमन बी भी आप सब लोगों को एकदम राइट right आंसर आ रहा है कौन सा कोलेटो ट्राइकम आम के अंदर आपको पता है दो रोग मुख्यतः होते हैं कौन कौन से एक तो पाउडरी मिल्ड्यू और एक एंथ्राकनोज तो एंथ्राकनोज का आपको क्या रोगजनक पता लग गया है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर अपना क्या दे रखा है ए, ए भी देखिए अब ओडियम स्पीसीज ये किसका होता है ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए होता है कल अपनी बात चल रही थी अपन एक पढ़ा था इरीसाइफ़ी पोलिगोनी जीरे के अंदर क्या होता है उससे पाउडरी मिल्टी होता है तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भी सर इसी की वजह से पी के अंदर होता है लेकिन पी के अंदर किससे होता है इरीसाइफ़ी पीसी के अंदर तो मैंने उस टाइम मुझे कन्फर्म था पर मैं बता नहीं पाया क्योंकि बच्चे इतने अच्छे से बोल रहे थे भी सर यही होता है ये होता है तो आप लोग प्लीज वहाँ पर जाके करेक्शन कर लेना जो अपनी मटर होती है ना उसमें इरीसाइफी पीसी की वजह से क्या पाउडरी मिल्टी होता है या छाछा रोग होता है अब देखिए ओडियम स्पीसीज जो अपना मैंगो होता है ना मैंगो के अंदर भी आपको पता है पाउडरी मिल्डी होता है तो वो किसकी वजह से होता है ओडियम मैंजीफेरा और यहीं पे आपको बेर के लिए पूछ ले तो इसमें क्या आएगा ओडियम जी जी फस ये वेराइटी होती है इसकी इससे होता है मैंगो में पाउडर मिल्डी ओडियम मैंजीफेरा बिल्कुल सरिता जी आपका एकदम राइट आंसर है तो देखिए भी अब इसमें क्या फाइटोपथोरा स्पीसीज है अपने हिस्सा लेना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्या क्वेश्चन आया था गम्बोसिस बैनिवाल सुमन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कब तक आएगी ब्लीज आपको अभी बता दिया जाएगा इसके अंदर देखिए मैसेज के अंदर गम्बोसिस हाँ बिल्कुल भी गम्बोसिस होता है इसकी वजह से तो आप लोगों को पता लग गया ए, क्या रीजन था नीरज मीना हेलो गुड इवनिंग सर जी दोसा से बिल्कुल भाई आपको जयपुर से गुड इवनिंग रूट नोट गम्बोसिस चलिए भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं किस दैहिक विकार में ताप सेवन से फलों की मध्य फल बीती में एमाइलेज एंजाइम एक् हो जाता है तो बताइए भी ऐसा कौन सा दैहिक विकार है और ये बता देता हूँ मैंगो की बात चलती यहाँ पे मॉलफॉर्मे माल्फर्म, मॉल फॉर्मेशन रिंग स्पोर्ट आंतरिक नेक्रोसिस स्पंजी उत्तक तो बताइए भी दोस्तों गौरव मीना बिल्कुल भी न्यू भर्ती दो में आएगी हाँ एकदम सही बात है अभी दो तक आएगी पर आप लोग अभी से तैयारी कीजिए बिल्कुल भी आप सब लोगों का राइट आंसर आ रहा है कौन सा स्पंजी उत्तक जो आंतरिक नेक्रोसिस होता है आपको पता है किसकी वजह से होता है ब्रोन की डेफिशियंसी से तो मे भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन सरवण कुमार बिल्कुल भी समीर मीना बेनीवाल सुमन गौरव मीना प्रियंका बाना सरिता चौधरी हाँ बिल्कुल आप लोग ऑप्शन की बजाय कमेंट है ना आंसर लिख ही दिया करो डी इज करेक्ट आंसर हंड्रेड परसेंट बिल्कुल भी आपका हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर है चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फूल आने के लिए नेफ्थलिक एसिडिक एसिड क्या एक सिंथेटिकंद्रता है रखते हैं बीस पी पी एम तीस पीपीएम पचास पीपीएम या चालीस पीपीएम बताइए भी अल्फांसो में सबसे ज्यादा होता है बिल्कुल भी अल्फानसो में सबसे ज्यादा होता है समीर मीना बताइए दोस्तों कितनी पी पी एम मात्रा रखते हैं इसके लिए बिल्कुल भी आप सब लोगों के एकदम राइट आ सी संजना यादव थोड़ा करेक्शन कीजिए मैम देखिए भी सरिता चौधरी फिफ्टी पी पी एम आपसे ही उम्मीद नहीं थी मैम हमें पर देखिए क्या होता है इसके अंदर बीस पी पी एम रखते हैं ऑप्शन नंबर ए है ना अपना ये राइट है हाँ अलग अलग क्वांटिटी रखते हैं अलग अलग प्लांट के अंदर पर एवरेज बात करेंगे ना तो नेफलिक एसिडिक एसिड असेट की बीस पी पी एम मात्रा किसके लिए ए, फूल आने के लिए यानी फ्लोरिंग को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे तो फ्लोरिंग आपको पता है नहीं होने देंगे ये फूलों को झाड़ देंगे गोरो बिल्कुल भी आपका राइट आंसर है चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग जड़ की उत्पत्ति वाला हारमोन है जिब्रेलिन आई ए या बीटीन ये तो काट ही दो यार एक ऑप्शन तो हर बार कट हो ही जाता है अलग अलग क्रोप में अलग हाँ, अलग हाँ बिल्कुल अलग अलग क्रोप में अलग अलग होता है बिल्कुल भी हेमलता रनवा जड़ की उत्पत्ति वाला हार्मोन है जिब्रेलिन आप एक बार देखिए बिल्कुल भी सरिता जी सरवन कुमार आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है कौन सा आई बी एंडोल ब्यूटर एसिड इसको आपको पता है व्यापारिक वे, नाम क्या होता है सेरिडेक्स या रूटेक्स क्या बोलते हैं इसको या फिर रूटेक्स भी बोलते हैं अब अपन लोग जिब्रेलिन की बात कर लें जिब्रेलिन क्या करता है पार्थेनोकारी को प्रमोट करता है सुमन बिल्कुल भी आपकी भी एकदम सही बात है आपको मेन मेन इनका जो काम होता है वो बता रहा हूं और को और डोरमेंसी होती है ना उसको ब्रेक करता है ये देखिए भी आइए ये सेम है अपना जो नेफलिक एसिडिक एसिड एसेट काम करता है ना उसी की तरह सर अब इतने क्वेश्चन में एक तो गलत हो ही जाता है बिल्कुल भी एक तो गलत होना बनता है ये भी फ्रूटिंग को प्रमोट करता है काइनेटिन ये क्या होता है अपना साइट, आ, साइटो काइनिन होता है ना तो इसके प्रिकर्स जानते हो आप अग्रक के रूप में किसके अंदर पाया जाता है काइनेटिन काइनेटिन पाया जाता है नारियल के अंदर और जो जीएटीन होता है ना ये मिलता है किसके अंदर मक्का के अंदर तो आपको ये भी समझ आ गया काइनेटिन के अग्रसर के रूप में मिलते हैं ये बिल्कुल भी आरडीएक्स जाट लूजर और समीर मीना ओमकला आप सब लोगों का एकदम राइट आंसर है चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग पोलिनाइजर है एक कीट है फलोवरक्स है रोग है या बायोरोधी है आपको पता है कुछ एक प्लांट होते हैं इनके अंदर जो आप बोलते हैं ना डायोसिस या फिर एक लिंगी होते हैं उनमें पोलिनेशन पॉल, अच्छे से नहीं हो पाता है तो उनके लिए अपन लोग पोलिनाइजर का यूज करते हैं तो बताइए दोस्तों पोलिनाइजर क्या है एक प्लांट है फलवृक्ष है रोग रो है या वायुरोधी है अच्छा अभिषेक जी इंसेक्ट है बिल्कुल भी अभिषेक जी इंसेक्ट है ये देखिए भी मैं बता देता हूँ पोलिनाइज़र क्या होते हैं बिल्कुल गोरोमीना पूजा धुंद्रा हेमलता जी ये क्या होते हैं एक फलवर्स होते हैं पोलिनाइजर क्या होते हैं प्लांट ही होते हैं तो आप लोगों को पता है इनकी अपन लोग अलग अलग क्वांटिटी क्वान्टिटीए रूट के लिए वर्क करता है क्या सर बिल्कुल भी इंडोल एसिड इसको रूटेक्स रूटेक्सलिए बोलते हैं और सेरिडेक्स इसी वजह से बोलते हैं आप लोग अब ग्राफ्टिंग करते हैं आप लोग कटिंग लेयरिंग कुछ भी करते हैं ना तो उससे पहले आपको पता है इनको आईबीए के घोल में डुबोते हैं और दो मेथड थी मैंने बताई थी एक सोक मेथड एक मेथड तो आप दोनों मेथड काम में ले सकते हो बिल्कुल भी

प्लांट विच प्रोवाइड पोलेंस बिल्कुल भी हाँ भी पपाया और डेट पाम में यूज करते हैं हनी भी, आई भी की तरह काम करता है हनी भी सहद। ये पता नहीं भी हनी करता है नहीं करता है। इसका कन्फर्म नहीं है मुझे देखो भी ये हाँ लू से बिल्कुल आप सब लोगों को अच्छे से पता है ये तने पे अपन लोग लेप कर देते हैं इसका तो क्या लू से अपने को बजाता है

पर मुझे इसके बारे में कन्फर्म नहीं है मैं आपको कल कमेंट में कन्फर्म करके बता दूंगा रोज वो हनी के बारे में बिल्कुल भी आप सब लोगों का प्रियंका बाना सरिता चौधरी बेनीवाल सुमन फेट सर फेट नहीं होता यार खनिज और विटामिन होते हैं ना इनकी अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है अपने किसके अंदर कोलेस्ट्रॉल में आपको पता है एक बटा दस भार के अकॉर्डिंग पिलाते हैं और पंद्रह मिनट बाद पिलाते हैं जो अपना बछड़ा या जो भी बच्चिया होती है उसको तो आप लोगों को यह भी समझ आ गया होगा चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कविता जी बिल्कुल आपका भी एकदम राइट आंसर है जर्सी गाय के दूध में औस्तन या फैट होती है आपको ये भी पता है गायें होती हैं ना जितनी भी उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट फैट किस में होता है जर्सी गाय है ना उसी के अंदर पाया जाता है तो बताइए तीन परसेंट चार परसेंट पाँच परसेंट या छः परसेंट बिल्कुल भी संजना यादव सरिता चौधरी एक बट आदस ऑफ बॉडी वेट बिल्कुल भी एकदम सही आंसर है तो बताइए भी इसका राइट right आंसर क्या होगा कितने परसेंट फेड पाई जाती है कविता चौधरी सरिता चौधरी बेनीवाल सुमन देखिए भी एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिए पाँच परसेंट होता है या चार परसेंट तो मैंने आपको कल ही बताया था इसके लिए परफेक्ट एकदम इसके अंदर राइट आंसर कौन सा है चार परसेंट बी फोर परसेंट फेड पाई जाती है किसके अंदर दर्सी के अंदर सब लोग पाँच भी चले गए भाई स्टार्टिंग में अगर आंसर पाँच दे दिया तो कोई तो चार वाला आ जाओ भाई चलो कोई बात नहीं तो आप लोगों को पता लग गया फाइव पॉइंट टू फाइव चार से पाँच गगन पंवार बिल्कुल भी चार से पाँच फाइव परसेंट होगा देखिए भी कल इसको कंफर्म करके बता देंगे लेकिन मुझे लगा फोर परसेंट होता है सभी का रोंग बिल्कुल भी मुझे तो ये लग रहा है सभी का रोंग है कल कन्फर्म हो जाएगा अपने अगर किस कुछ इट्स नॉट राइट सर हेमलता रनवा चलिए भी कल बता देंगे आपको प्रहलाद सिहाग गुड इवनिंग डियर गुड इवनिंग अच्छा मुझे बोल रहे हो या फिर कमेंट वालों को बोल रहे हो आप लोग दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है क्यों साफ रखा जाता है उनको कीटों को मारने के लिए सूक्ष्म जीवों को मारना नाशक जीवों को मारना विटामिनों को मारना तो बताइए भी समीर मीना बुक्स में थोड़ा वेरिएशन हाँ भी ट्वेल्थ के बुक के अकॉर्डिंग हमने ये ऑप्शन सेट किए थे अगर इनमें लगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो अपन लोग आपको पता है आराम से कमेंट के अंदर भी हम लोग पिन कर देते हैं हमारा कमेंट जैसे कि कल अपना क्वेश्चन था वो कि जो अपनी मटर थी ना उसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू किससे होता है तो वो बता दिया गया था तो ट्वेल्थ के बुक के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेट किए गए हैं आप इसका आंसर दीजिए भी बिल्कुल भी आप स्वच्छता किस मुख्य उद्देश्य क्या होता है सूक्ष्म जीवों को मारना माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अच्छे भी होते हैं भाई जैसे कि आपने ये फैट एन सी बिल्कुल गगन पवार जी आप सही बोल रहे हो सूक्ष्म जीव अपने क्या होते हैं जैसे कि अपन लोग दूध से दही बनाते हैं तो वो भी तो काम आते हैं ना सूक्ष्म जीव उसमें आ जाते हैं कौन से बेसिलस आ गया जैसे कि स्टेप्टोकोकस आ गया तो इसके लिए राइट आंसर राइड नाशक जीवों को मारना जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको मारा जाता है नहीं कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्म जीव तो अपने काम आते हैं भाई दूध से दही जमाने के लिए जैसे कौन कौन से आप लोग बेसिलस ले लो इसके अंदर क्या होता है जो अपना दूध होता है उसको दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है एसिडिटी बढ़ा देता है दूध की तो इसका राइट right आंसर क्या होगा सी या फिर स चलिए अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है बताओ भी एक पॉइंट जीरो थर्टी सिक्स एक पॉइंट जीरो थर्ट थ्री टू जीरो एक पॉइंट जीरो टू एट या जीरो पॉइंट नाइन थ्री जीरो बताइए भी इसका राइट आंसर हेमलता जी आपको किस बात में हंसी आ रही है बताइए बताइए भी बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है यार इसके अंदर तो आपको इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए और भैंस के अंदर भी बता दीजिए आपको अभी कितनी होती है आप एक, एक पॉइंट जीरो टू एट से एक पॉइंट जीरो थ्री जीरो सरिता चौधरी बिल्कुल भी आपका एकदम राइट आंसर है सी गगन पवार गगन जी आप आ गए हैं इसका राइट आंसर क्या होगा सी चलिए अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बोफेलो का वन पॉइंट जीरो थ्री टू बिल्कुल भी चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है बताइए भी कौन सी नस्ल है जो पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है चेंगू चेंग थेंगी गद्दी या मारवाड़ी मैं भी आप लोगों का ये क्वेश्चन तो अच्छे से सुना हुआ नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन तो बताइए भी भैंस का एक पॉइंट जीरो तीन दो तो बिल्कुल भी एकदम सही राइट आंसर है आपका आ, कविता जी आप भी एकदम सही आंसर दे रहे हो तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन लोग अभी पूजा धुंद्रा ओमकला लखन केवात बेनीवाल सुमन मुनेश सिसोदिया बिल्कुल भी बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन का अभी आंसर दीजिए सर मैं आपका क्लासमेट हूँ एमएससी वाला पहचाना क्या सर देखिए भाई नाम से थोड़ा पहचाना पहचाना लग रहा है पर आप थोड़ा कांटेक्ट कीजिए मुझसे मैं पहचान जाऊँगा सर गोट को तो जेट में है ही नहीं ये भी कन्फर्म नहीं है मुझे गोट है या नहीं है देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा ए या है? तो चेंगू नसल होती है ना बकरी की उससे क्या पसमीना पसमीना के नाम से जाना जाता है चलिए भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं थेगी चलिए भी भेड़ जैसी बकरी की नसल ये तो बिल्कुल सा है अंगोरा नल्लोर मगरा या मालपुरा बताइए भी ठीक है सर एमपी पैट का कोर्स मिलेगा अभी देखिए आपको बता देते हैं एमपी पैट का कोर्स मिलेगा क्या आपको कमेंट के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा अभी जना यादव बिल्कुल बिल्कुल भी कविता जी बेनिवाल सुमन यादव गोविंद प्रसाद शर्मा आप लोगों का एकदम राइट आंसर आ रहा है कौन सा अंगोरा जो भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है अब एक बकरी की भेड़ जैसी नस्ल होती है वो भी बता दीजिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना बकरी जैसी भेड़ की नाम से प्रसिद्ध नस्ल ऐसी नस्ल जो बकरी जैसी और भेड़ की है अपन लोग भेड़ की नस्ल बढ़ चुके हैं जो बकरी जैसी है जो अंगोरा थी अब बताइए भी इसका राइट आंसर क्या होगा पेनीवाल सुमन बी देखिए भी बिल्कुल भी आप लोग बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन नहीं आ रही है तो ये नेलोर के अंदर होता है जो नेलोर होती है ना बकरी जैसी बेड की नस्ल होती है ऑप्शन नंबर अपना कौन सा बी एकदम राइट आंसर होता है चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं काजरी कहाँ स्थित है तो काजरी तो भाई इस बार शायद अपने सुपरवाइजर में भी आया था बता दीजिए बीकानेर जोधपुर टोंक या भरतपुर और काजरी कब बना था? यह भी बताइएगा मोहरे के लिए फेमस है बिल्कुल आप लोगों को पता है जोधपुर में कब बना था ये सर आपको ये जो कमेंट के अंदर मैंसल कर रखा है यही मेरा नंबर है अभी बिल्कुल भी समीर मीना एकदम आपका राइट आंसर है जोधपुर के अंदर है ये कब बना था उन्नीस के अंदर तो वेरी इजी बी और इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं अपन लोगों से अपन लोग इजी क्वेश्चनों पे ध्यान देते ही नहीं है इसीलिए अपनी एक क्यूच चल रही है इजी क्वेश्चन गगन परवर काजरी उन्नीस जोधपुर बिल्कुल भी आप लोगों का एकदम सही राइट आंसर है कविता जी आपका भी चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अच्छा मादा में बद्याकरण को कहते हैं स्पेंग ओवेस्ट्रो रेक्टोमी बोथ ए एंड बी ओवेरी हेस्ट्रो रेक्टोमी तो बताइए भी इसका राइट आंसर क्या होगा आफरी और काजरी बिल्कुल जोधपुर के अंदर है और सेंट्रल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट अपना बीकानेर के अंदर है और आफरी और ये जो दूसरा फॉरेस्ट वाला इस अपना इंस्टीट्यूट है उसमें थोड़ा सा मेरा यही क्वेश्चन पीजी में गलत हुआ था सर पीजी के अंदर काजरी का तो भाई देख लीजिए अब आप लोग बोलते इतनी ईजी क्वेश्चन लेके आते हो अपने जो ईजी क्वेश्चन होते हैं ना वही गलत होते हैं और ये क्वेश्चन है इनके ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होते अपने पास भी इतना ही बता सकते हैं कब बना कहाँ बना आफरी उन्नीस देखिए भी इसका राइट आंसर क्या है जो मादा के अंदर वद्याकरण किया जाता है ना उसको स्पेंग भी कहते हैं और ओवेरोस्टर एक्टोमी भी कहते हैं इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी तो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप लोग अच्छे से याद कर लिया करो फरमूल डेरी जोधपुर बिल्कुल भी आपका समीर मीना जी बहुत अच्छा आपने दिया राइट सर इजी क्वेश्चन के कारण पिछली बार रह गए अच्छा सबके सब, सब परी जी वाले हो गया इसमें निम्न में से गाय की दुधारो नस्ल नहीं है थार पार कर कांकरे झाईवाल गिर ये बता दो भाई ऐसे ही तीन तो इतनी अच्छी अपनी दुधारू नस्लें हैं इसके अंदर पूजा धुंधरा सी नहीं सर ऐसा नहीं इजी लेकर आते हो देखिए भी आप लोग बोल रहे थे इजी क्वेश्चन लेके आते हो बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है तो तुधारू नसल नहीं है थार पारकर तो अपने एरिड जोन के लिए बहुत अच्छी नसल है अच्छी रोग प्रतिरोधकता होती है इसमें बिल्कुल मंजू बोचालिया सरिता चौधरी सरवण कुमावत कविता आप सब लोगों के राइट आंसर कौन सी कांकरेज ये क्या होता है अपना जो एरिड जोन है ना एरिड एरिया है उसके अंदर बेस्ट है ये नसल इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और साहिवाल आपको पता ही है अपनी इंडियन ब्रीड में सबसे ज़्यादा क्या देती है दूध देती है मोस्ट मिल्क प्रोडक्शन और गिर का आपको ही पता है गिर को क्या बोलते हैं गिर अपनी आ, इसको बोलते हैं क्या रेंडी भारमान और ये गुजरात का जो टच का एरिया ना वहाँ पे पाई जाती है और इसके अंदर पत्ती नुमा कान पाए जाते हैं तो गिर के बारे में यही कुछ खास बातें थी तो चलिए अपने लव फ्रॉम राहुल जोशी कांकरेज हाँ केट वो के लिए बिल्कुल हाँ भी ये मैं बताना भूल गया केट वो के लिए कांकरेज फेमस है तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन बर्ड्स के अंदर से चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई थोड़े कमेंट आप लोग देख के कीजिए अब इसका मैं क्या मीन निकालू लव यू बाबू तो थोड़ा पर्सनल आप अलग रखिए अपना चैट चेटबुक संजना यादव बिल्कुल आपका एकदम राइट आंसर था हेमलता रनवा आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट गोमरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है सिंधी साहिवाल गिर थार पारकर अब माउंट गोमरी पाकिस्तान में है तो सिंधी एरिया भी पाकिस्तान का एक ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया थार पारकर और गिर ऐसे कट हो रहे हैं तो बता दीजिए भी इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए बताइए दोस्तों कविता ओमकला अभिषेक थार पारकर समीर मीना साहिवाल बिल्कुल भी सबके एकदम इजीजा क्वेश्चन था राइट आंसर आ रहे हैं कौन सा, सा? साहिवाल को माउंट गोमरी के नाम से भी जानते हैं और साहिवाल को लोला के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसकी चमड़ी होती है ना थोड़ी वो ढीली होती है मंजू बोचालिया बिल्कुल आपका भी सही है और सिंधी होती है ना इसको रेड सिंधी भी बोलते हैं रेड सिंधी अब अपनी गिर आ गई गिर को तो मैं आपको बता चुका हूँ भारमान रेंडी इन नामों से जानते हैं और थार पारकर थार पार को ग्रे सिंधी और आ, ब्राउन सिंधी ऐसे करके कुछ बोलते हैं शायद वो मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन थार पार कर आपको मैं बता चुका हूँ अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके अंदर चलिए अपने व्हाइट सिंधी और ग्रे सिंधी हाँ बिल्कुल थार पार कर को यही था व्हाइट और ग्रे सिंधी के नाम से जानते हैं इसको चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग एक डेयरी गाय को एक दिन में कितने लीटर पीने के लिए पानी की आवश्यकता हो होती है तो भी देखिए 30 से पैंतीस लीटर चालीस से पैंतालीस लीटर साठ से सत्तर लीटर या बीस से तीस लीटर बताइए भी एक गाय कितना पीती है मुल्तानी सर्वाधिक लेक्टोज, बिल्कुल सबसे मीठा दूध इसी का होता है साहिवाल का बताइए भी इसका राइट आंसर दीजिए एक गाय कितना पानी पीती है बीस से तीस लीटर आपकी गाय थोड़ा कम पानी पीती है हेमलता जी बिल्कुल हेमलता जी आप एकदम राइट आंसर दे रहे हो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना आप अपने गलत हो जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं अब लोग तुक्का ही मारते हैं इसमें अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं सरवन कुमावत बिल्कुल भी बीस से तीस लीटर आपकी गाय भी कम पानी पीती है तो इसका राइट आंसर क्या है तीस से पैंतीस लीटर एक जो गाय होते हैं ना एवरेज एक दिन के लिए चाहिए होते हैं आज के लिए बहुत है क्वेश्चन चलिए भी तो इसके साथ हम लोग लेते हैं विदा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना अपने जो वीडियो होते हैं ना उसके बाद आपको कुछ गलतियां वगैरह भी लगे तो आप लोग बता सकते हो लेकिन हम लोग आपको अच्छे से क्वेश्चन देख के ही पढ़ाते हैं और ट्वेल्थ के अंदर जो बुक बुक होती है ना उसी से क्वेश्चन निकाले जाते हैं तो उसके अंदर जो थोड़ा करेक्शन वगैरह होता है ना तो आप लोगों को लगता है भी <coughs> नहीं बताया होगा सही और हाँ कोर्स लीजिए आप लोग ऐप से एग्री पावर जयपुर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स खरीद सकते हैं आप लोग तो भी दोस्तों आप लोगों से इसके साथ हम लोग विदा लेने बाई बोलना चाहेंगे या फिर विदा लेना चाहेंगे आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से गुड नाइट और प्लीज आप लोग लाइक शेयर और कमेंट किया करो और क्लास को शेयर कर दिया करो चलिए भी इसके साथ टाटा बाय बाय सी यू सून आज लाग रही है यार गले में दिक्कत है पता नहीं क्यों बोला ही नहीं जा रहा है